बिहार के पूर्णिया से पप्पू यादव को लेकर बड़ी खबर। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने पार्टी के फैसले के खिलाफ जाकर लोकसभा चुनाव के लिए आज अपना पर्चा भर दिया। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में गई है। इस सीट से पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का दावा करते रहे। इसके लिए अपनी पार्टी का विलय कर पप्पू यादव कांग्रेस में भी शामिल हो गए, लेकिन कांग्रेस से उन्हें टिकट नहीं मिला क्योंकि सीट शेयरिंग के तहत वो सीट जो है आरजेडी के खाते में थी। आरजेडी ने बीमा भारती को वहां से अपना उम्मीदवार उतारा था और आज पप्पू यादव बतौर निर्दलीय पहुंचे, चुनाव नामांकन पूर्णिया से उन्होंने भर दिया है। आज का दिन मेरी जिंदगी के अध्याय का है कि मैंने सबका दिल जीता है और मुझे सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं इंडिया गठबंधन की मजबूती के लिए काम करूंगा, चाहे वो लालू यादव जी की दोनों बच्ची हो, वहां भी जाके मदद करूंगा। कांग्रेस किसी भी कीमत पर एस्टेब्लिश्ड हो, कांग्रेस और देश चाहता है राहुल गांधी जी पीएम बने। बहुत जात पात हो गया, बहुत हिंदू मुसलमान हो गया, अब इस देश की इकोनॉमी की बात हो, इस देश के युवाओं की बात हो। और इस बीच तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए पप्पू यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो हमारे साथ नहीं वो बीजेपी के साथ है। नहीं नहीं, हम लोग कहाँ किसी को नाम लेने भाई, जाहिर सी बात है जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है, हम किसी का नाम नहीं ले रहे। ये जनता को, जनता के ऊपर छोड़िए ना, आप लोग जो कहा जाए वो कहिए, अपना सजेशन और फीडबैक मत दीजिए। आपकी उम्मीदवार नामांकन की है लेकिन कल पप्पू यादव भी नामांकन पूर्णिया सीट पर करेंगे। भाई कौन कहाँ से क्या कर रहा है हमको क्या पता भाई, हम अपने पार्टी का ना देखेंगे, अपने गठबंधन का ना देखेंगे। मेरी पार्टी है ना भाई, हमारे पार्टी में नेता नहीं है।